Nice to see you. आज ही के दिन रिलीज हुई थी एंड काफी टाइम से मैं कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आइडिया लगा रहा हूँ, पर अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया एंड आदाब, दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। तो मैं गया था सुईगाम, गुजरात में है, वहाँ मेरी मुलाकात विजय भाई से हुई और हमने आइडिया डिस्कस किया और आइडिया इनको बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला कि चलो इसको स्क्रिप्ट बना देते। स्क्रिप्ट बनी तो सबसे पहले फ़ोन किया मैंने मनोज को एंड मनोज को कहानी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। फिर एक ऐसा टक्कर का एक्टर चाहिए था जो उनको एकदम मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो मैंने शारिब को फ़ोन किया। इनकी एक फिल्म आई है, बहुत बड़ी हिट हुई है, क्रिटिकल एक्लेम है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, फिल्मिस्तान। तो हमने एक कास्टिंग इस तरीके से करी कि हमें ये इसके लिए जो टैलेंटेड एक्टर्स चाहिए और जो कैरेक्टर को सूट करते हैं, तो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया मैंने विजय भाई ने एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट अ फिल्म। दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। वेल, बैकग्राउंड क्या है, ये भुज में भी है और सुईगाम में भी है, मतलब इसे वाइट रन कहते हैं, रन ऑफ कच्छ पे है ये पूरा लोकेशन। एंड क्योंकि अपनी कहानी गुजरात बेस्ड है, पूरी कहानी गुजरात की है, तो इसकी शुरुआत भी गुजरात में होती है और ख़त्म भी गुजरात में होती है। और जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो मनोज खेल रहे हैं और जो शारिब खेल रहे हैं, वो गुजराती कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए गुजरात इज़ द एप्ट लोकेशन फॉर। समीर, आपसे जानना चाहूंगा, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का बहुत ही पुराना कनेक्शन रहा है, तो व्हाट न्यू कैन वी सी इन दिस फिल्म, बिकॉज़ ऑल द इयर्स वी हैव सीन रामगोपाल वर्मा कम अप विद अ अंडरवर्ल्ड फिल्म एंड वही रिपीट होते जा रहे हैं। हम देखते हैं दाऊद इब्राहिम से सेंट्रिक ही है एंड ऑफ कोर्स अंडरवर्ल्ड जो है दाऊद इब्राहिम के आसपास ही घूमती है, आप क्या फिल्म में नहीं दिखाएंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कॉमेडी फिल्म है, आई थिंक वो सबसे अलग चीज है, क्योंकि अभी तक से जो भी, जैसा आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड पे जो भी फिल्में दिखाई हैं वो राम गोपाल वर्मा स्टाइल में दिखाई है, या निखिल अडवाणी ने बनाई है, या संजय गुप्ता ने बनाई है, यू नो दे आर ऑल वेरी डार्क फिल्म्स, थ्रिलर, गैंगस्टर बेस्ड, बट अपनी उसमें कुछ नहीं है ऐसा। आई मीन आल्सो इज अ कॉमेडी एंड कुछ पोर्ट्रे करने के लिए आई हैव लर्नड इट फ्रॉम आई थिंक राजकुमार हिरानी दैट द मोस्ट यू नो सेंसिटिव इशूज और वट एवर इशूज दे मे बी, उसको कॉमेडी के जरिए भी कम्युनिकेट किया जा सकता। So, Samir, that means that ये एक सटायरा कॉमेडी है, मतलब इसमें इश्यूज दिखाए जाएंगे, इससे मतलब एक उसका सलूशन भी दिया जाएगा, लेकिन एक कॉमेडी वे में। बिल्कुल सही। आई मीन इसका सलूशन तो खैर कोई नहीं, आई मीन फिल्म है, एंटरटेनमेंट है एंड इसका जो स्टोरी टेलिंग है, उसके जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत सीरियस है, उनकी सिचुएशंस थोड़ी कॉमेडी, मतलब जो उनको कॉमेडी में यू नो ल्योर करती है वो, इट बिकॉज इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, इट्स नॉट लाइक अ गोलमाल और इट्स नॉट लाइक इवन YPD, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज अ सिचुएशनल कॉमेडी जहाँ कैरेक्टर्स बहुत सीरियस है बट उनकी सिचुएशन कॉमिक है। विजय जी, समीर जी, जैसे एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज, आप दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही। कॉमेडी क्या होती है कि कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही रहेगा, वो जिस हिसाब से डेवलप हुआ है, सीरियस हो या फनी हो, बट द सिचुएशन जिस कैरेक्टर को जिस सिचुएशन में डालते हैं वो कॉमिक है, तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉमेडी बाहर आएगी, इवन दो ही इज प्लेइंग अ सीरियस पर्सन बट हिज कॉमेडी विल कम आउट बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन दैट इज इन। सॉरी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड द कॉन्सेप्ट? द फर्स्ट टाइम समीर कॉल्ड मी टू यू नो कॉल मी फॉर द नरेशन, मुझे लगा कि हां एक कोई कैरेक्टर वाला कुछ वो होगा या एक ऐसे कोई सपोर्टिंग कास्ट होगी, मतलब मनोज बाजपेयी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं तो एक तो बहुत बड़ा लालच था कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है,
बट व्हेन आई हर्ड द एंटायर नरेशन बोला यार ये तो ऐसा रोल है कि मतलब किसी कीमत पे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. मतलब आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद मनोज जी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विद समीर भाई. तो और एंड प्लस द कंटेंट इज सो गुड. मतलब मेरे लिए तो सब बोनांजा है. मतलब एवरीथिंग इज डबल वैन. एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं जब मुझे सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जब लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो जो जो चीज़ें बोलते हैं तो मैं मतलब पूरा कंबल के अंदर घुस जाता हूँ. मेरे को समझ भी नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ. आई होप आदाब मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ उनको उतना ही सेटिस्फाई करेगी जितना फिल्मिस्तान ने किया. मेरे एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से ही बढ़े हुए हैं. अवार्ड का पता नहीं. मैं मतलब मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी और अगर अवार्ड मिलेगा तो मैं उसको डेफिनेटली जाऊंगा लेने के लिए. मैं किसी भी अवार्ड को बॉयकॉट नहीं कर सकता. ये सवाल आई थिंक विजय भाई बेस्ट दे सकते हैं कि शूटिंग हमारी मार्च में शुरू होगी और कहाँ कहाँ लोकेशंस में शूट होगी इसके बारे में. ऐसे ही फिल्म तो पूरी गुजरात में शूट हो रही है तो लोकेशन में तो हमने अंकलेश्वर लिया हुआ है, सुईगाम लिया हुआ है. सुईगाम से जो पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान वो बॉर्डर भी ली हुई है. समीर जी जैसा कि शारिब है यहाँ और मनोज वाजपेयी भी हैं इस फिल्म में बट कोई फीमेल एक्टर नहीं है, कोई खास वजह या फिर नहीं? एक्चुअली जो फीमेल का कैरेक्टर है वो बहुत छोटा है इस फिल्म में एंड प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं जो मेन लीड है वो ये दोनों ही है. बाकी सब कैरेक्टर्स के तौर पर आएंगे और जाएंगे. इंटरेस्टिंग आइडिया. ये आपका आइडिया मेरे को अच्छा लगा बट नहीं ये ऐसी नहीं है. और I mean, इस पे मैं जरूर जैसा ये कह रहे और सोचने पे जरूर आपको मजबूर करेंगे हम. ये आप गेस करते रहिए और तब तक हम फिल्म बनाते हैं फिर दोबारा जरूर मिलेंगे तब आप मेरे को पूछेंगे अच्छा ये ट्रेलर मैंने देखा ये तो वो नहीं था जो मैंने सोचा था. समीर और सारी बात दोनों से आना चाहूंगा. अब तक जितनी भी फिल्में बनी है दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड रही हैं लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम ओपनली लिया नहीं गया. आप लोगों ने नाम लिया है तो एनी चांसेस कि मतलब उनकी तरफ से कुछ कॉल या फिर ऐसा कुछ आए तो ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट सोच के रखा है? कुछ भय है इस बात का? एनी इनसिक्योरिटी आपको? भाई से भाई तो सबको आपको डरने की इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरे बिन लादन. तो लोगों ने एक टाइटल रखा था तेरे बिन लादन एंड वो बिन लादन के ऊपर फिल्म थी या उसको इम्पर्सनेट करके कोई कुछ अपना जुगाड़ फिट कर रहा था. एंड दाऊद इब्राहिम ऐसा नाम है जो चलो आज इंडिया में मतलब न्यूज़ में रहता है नाम और उसके ऊपर चर्चा बहुत होती है बट नहीं इसमें इट्स अ टाइटल और नाम में क्या रखा है. यू नो शेक्सपियर सेड देयर इज नथिंग इन द नेम. अभी जो दौर चल रहा है वो ये चला. समीर, when the name has Dawud Ibrahim in it, the name has much to do. I agree with you. Well, see, the title is very important for the film. The way the film is structured and हर फिल्म का एक नई टाइटल होता है. जैसे इनकी फिल्म का नाम था फिल्मिस्तान एंड इस फिल्म का नाम है आदाब दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ. तो हर फिल्म का एक नाम उसकी स्टोरी से रिलेटेड देना पड़ता है तो इसीलिए ये नाम हमने रखा है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आर स्टोरी. समीर जी अभी एक दौर चल रहा है कि मोदी सरकार है और इसमें लगातार डेली बयान आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी रोज बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे. क्या इससे कुछ हवा नहीं मिलेगी कि दाऊद इब्राहिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए?
अभी कुछ दिन पहले आज तक में आ रहा था कि आज तक ने अभी कुछ 26 दिसंबर को एक न्यूज ब्रेक करी थी, एंड कोई जाने माने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि पहली बारी ये आवाज आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है, एंड उसमें मतलब हर चीज अब थोड़ी बदलते जा रही है, बट ना हम इसमें कोई यू नो ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो आइदर कॉन्ट्रोवर्शियल है या नहीं है. इट्स सिंपली एन एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म जो तैयार होने की कोशिश हो रही है. समीर जी, आपका दाऊद कहां से बोल रहे हैं, पाकिस्तान से या दूसरी जगह? काश मुझे पता होता. आई थिंक किसी को नहीं पता. मुझे पता है वो कहां से बोल रहे हैं. मुझसे समीर जी, अगर आपने कहा कि डॉन के ऊपर फिल्म है और हमेशा से डार्क दिखाई गई है डॉन की फिल्म, तो आपके जहन में कैसे आया कि कोई कॉमेडी फिल्म भी बनानी चाहिए? कोई इंस्पिरेशन दिया आपने इसके लिए? नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं है. मेरे को लगता है कि हर कहानी को बोलने का एक तरीका होता है और वो तरीका आप एज अ फिल्म मेकर अपनाते हैं एंड एज एन एक्टर उसको ये निभाते हैं, एज अ प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करते हैं. पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई नया तरीका चाहिए टू एक्सप्रेस अ सर्टन थॉट. तो थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सीरियस रूट हमने कॉमेडी रूट लिया. मतलब कह सकते हैं कि दाऊद एक कॉमेडी के सीन में दिखाया जाएगा इस फिल्म में? नहीं कह सकते. एक्चुअली मेरे पास एक कहानी और थी और इस कहानी को खराब करने वाला ये आदमी है. और मैंने आधी स्क्रिप्ट लिख ली थी एंड किसी ने मेरे को बोला जाके फिल्मिस्तान देखो, तो मैंने बोला हाँ ठीक है देख लूंगा. जब मैंने कहानी ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट कर ली तो फिर भी किसी ने मेरे को बोला जाके फिल्मिस्तान देखो, ऐसे हाँ देख लूंगा. फिर मेरे दिमाग, और उसकी डीवीडी रिलीज नहीं हुई थी एंड ये फिल्मों में तो बेच रहे थे पायरेटेड डीवीडी पर हमको नहीं मिल रही थी. तो जब तक ओरिजिनल नहीं आए तब तक मैंने कहानी पे बहुत काम कर लिया था और जब आई तो मैंने डीवीडी देखी और मैं बहुत अपसेट हो गया कि इन्होंने मेरी पूरी कहानी खराब कर दी. तो मैंने वो स्क्रिप्ट स्क्रैप कर दी और फिर मैंने सोचा को एक नए स्क्रिप्ट पे आइडिया लगाऊं. बट गुजरात वॉज ऑलवेज इन माई माइंड कि मेरे को शूटिंग गुजरात में ही करनी थी, तो उसको एक बेस पकड़ के मैंने एक नई स्टोरी डेवलप करी और वो ये है. समीर और शारी, आप दोनों से जानना चाहूंगा इंडिविजुअली, आप दोनों का व्यू चाहिए मुझे. ऑफ लेट जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म होती है उनको काफी बढ़ावा मिल रहा है, काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं रहा है कि शाहरुख का सलमान की फिल्मों तो ही हम देखने जाए. फिल्मिस्तान जिसमें कोई स्टार नहीं था फिर भी लोग उसे देखने गए थे, अप्रिशिएट किया था. क्या लगता है दिस विल बी वन ऑफ द फिल्म जहां पर कंटेंट देखकर लोग जाएंगे एक्टर देखने? यू आंसर फर्स्ट. बिल्कुल 100%. अभी हम मनोज जी तो ऑलरेडी स्टार हैं, उन मतलब वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है. मैं अभी उतना बड़ा नाम नहीं हुआ हूँ कि मेरे नाम पे मतलब टिकटें बिकेंगी और वो सब. बट कंटेंट हमेशा से, भले बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, कंटेंट ही हमेशा से किंग रहता है. शुरुआत के पहले 3 दिन के बाद में अगर कोई पब्लिक वापस से जाती है फिल्म देखने तो वो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट. अगर आज कहानी चल रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही है और अगर एक दबंग चल रही है उसके साथ में लोग फिल्मिस्तान भी देखने जा रहे हैं तो हमारे लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं. इससे अच्छा फेज हिंदी सिनेमा के लिए पहले कभी नहीं था जितना अब चल रहा है. और फिल्मिस्तान के दौरान हमें पता चला कि आप एक्टिंग के अलावा भी आपने इनपुट दिए थे फिल्म. मैंने डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म के, फिल्म मेकिंग प्रोसेस में. तो इस फिल्म में भी ऐसा कुछ आपकी तरफ से एक्टिंग के अलावा? इन्होंने मुझे कुछ करने को दिया ही नहीं, इतनी जबरदस्त स्क्रिप्ट, पूरी टाइट बाउंड विद डायलॉग्स, मुझे नरेशन दिया बाउंड स्क्रिप्ट, तो मेरे लिए तो कुछ करने के लिए रखा ही नहीं इन्होंने. बट एज एक्टर्स क्या होता है कि जब सब काम करते हैं, जैसे मैंने कई आइडियाज जब मैंने विजय भाई के साथ काफी समय बिताया सुईगाम में, तो कई चीजें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं. हम यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, यू नो दिल्ली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं हम, छोटी छोटी चीजें जो होती ना उनका फ्लेवर, तो फ्लेवर मैंने सब इनसे एक्सट्रैक्ट कर लिया इतने दिन रहकर उनसे. और इनमें इस फिल्म में कई डायलॉग्स भी हैं जो ये बातों बातों में बोल देते पर मैं उठा के उसको स्क्रिप्ट में लिख लेता. ओके शाबे, मैं फिल्मिस्तान के बाद से आपके लाइफ में मतलब कितना चेंजेस आया, मतलब कैसे स्क्रिप्ट्स आ रही हैं आपके पास? काफी मतलब फिल्मिस्तान मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मेरे करियर का. तो उसके बाद से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें ही हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी. आई एम रियली हैप्पी इन द स्पेस आई एम इन राइट नाउ. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट टू गॉड, एवर थैंकफुल टू गॉड, एंड रियली आई एम वेरी फॉर्चुनेट. व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मी इज
वेरी नाइस वेरी गुड. आप लोग मेरे साथ बातें कर रहे हैं. समीर भाई जिन्होंने सनी बाजी, धर्म जी मेरे मतलब फेवरेट एक्टर्स के साथ में इन्होंने काम किया है, वो मुझको कास्ट कर रहे हैं अपनी फिल्म में अलॉन्ग विद मतलब अनदर फेवरेट एक्टर ऑफ माई मनोज बाजपेयी. तो दिस इज द बेस्ट. एनी मतलब इससे अच्छा मैं और कुछ मांग नहीं सकता ऊपर वाले से. और इसके अलावा और कोई फिल्में हैं? इसके अलावा भी बदमाशियां मैंने की है जो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, और वो भी बहुत यारी, इट्स अ रोम कॉम, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म है. थैंक यू ग्रेट, थैंक यू सो मच. वी डू सम स्टिल फोटोग्राफ्स. थैंक यू. अरुण अरुण एक मिनट. थैंक यू.